शेड्यूल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, फिल्म का नाम क्या है, क्या किरदार है? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि फिल्म का टाइटल बहुत पॉजिटिव है, यू नो इट्स मुंबई कैन डांस वाला, और इस कहानी में, इस फिल्म में हम लोग सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सपने जितने बड़े देखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और छोटे सपने तो वैसे भी देख लेने चाहिए। सर इसमें पहले भी ये किस तरह की मूवी अगर बात करें, क्या किरदार पूरा रोल के अंदर? सी इसमें मेरा रोल एक बहुत जल्दी में बहुत कुछ पा लेने का जो ड्रीम्स रखता है उस किस्म के आदमी का रोल है, जिसके पास बहुत कुछ चीज़ें वो बहुत जल्दी पा लेना चाहता है, और उसके भी सपने बहुत बड़े हैं, और उसको और जिस किस्म की ज़िंदगी में अचानक एक जो हमारी हीरोइन है वो जब इसकी ज़िंदगी में आती हैं तो बहुत कुछ उसकी ज़िंदगी में बदल जाता है, एंड उसके ड्रीम्स अलग होने लगते हैं, लेकिन बस इन सब चीज़ों के बारे में ये फिल्म बहुत एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल आई एम डूइंग इन दिस। फिल्म को लेकर काफ़ी लंबी हो गई है शूटिंग, अगर बात करें काफ़ी टाइम से शूट चल रहा है, क्या आपकी तरफ से क्या रीज़न क्या है? ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है कि जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और बहुत प्लान तरीके से हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट देन फाइनली मुझे मालूम है कि एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत टाइम हो रहा है उससे उसमें कोई खास हमको दिक्कत नहीं हो रही है। नई लड़की है आपका भी, मुझे आर्टिस्ट जी, मैं जब भी कोई फिल्म करता हूँ मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरी ये पहली फिल्म है, तो जैसे ये एक्ट्रेस हैं आशिमा, तो वो खुद बहुत अच्छी एक डांसर भी हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी भी हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो वो जिस तरह से सीन में इन्वॉल्व होती हैं वो उसमें मुझे तो अभी तक कोई तकलीफ नहीं आई है कि उनमें भी कोई मंजेपन की कोई कमी नज़र नहीं आई है, और वो बहुत ही अच्छे और अच्छे कलाकार हैं, और विशिंग हर ऑल द लक। मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तीन चार फिल्में अभी शूट की हैं, और अभी मैं मेरी एक तमिल फिल्म अभी रिलीज़ हुई है नेडुंचाले, अभी मैं एक दूसरी तमिल फिल्म कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड नंदन सिवा, जो पनीर सेल्वम डायरेक्टर हैं उनके, और अभी मैंने फिनिश किया शूट करना एक दिल्ली में एक फिल्म किया मैंने ये साल ही मोहब्बत, फिर एक फिल्म किया देसी बम, और दो तीन और फिल्में मैंने अभी बीच में ख़त्म की हैं, तो अभी दो तीन दिन का और शूट है इस फिल्म के लिए मेरा, तो उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा।